बदकिस्मती से मिडल ईस्ट वालों ने हमारी किसी भी मुस्लिम कंट्री ने इमिग्रेशन का प्रोसेस नहीं रखा हुआ अच्छा आप वहाँ पचास साल भी रहते हैं तो आपको वहाँ की रेजिडेंसी या इमिग्रेशन नहीं मिलती अच्छा आप वहाँ काम कर सकते हैं जब उनका दिल करेगा वो आपको निकाल देंगे अच्छा। ये चीज़ें जो मेजर हमारी कंट्रीज हैं कैनेडा है ऑस्ट्रेलिया है यू है अमेरिका है यूरोप है ये उन लोगों ने रखी हुई मैं देखे ना मुझ समेत ये मुझे नहीं पता था आज उसकी था। उसकी फिजा मेन वजह ये है कि एक तो वहाँ पे लेबर शॉर्टेज है सेकेंडली पॉपुलेशन कम है उनको लोग चाहिए उनको स्किल्ड लोग चाहिए उनको बिजनेस मैन चाहिए उनको लेबर क्लास में लोग चाहिए अच्छा। जो उनकी इकॉनमी को ग्रो कर सके यहाँ ठीक है इसीलिए मिडिल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं उधर जाके नौकरियाँ कर रहे होते हैं जी तो मिडिल ईस्ट में ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ अरसा रहने के बाद कोई वहाँ की शहरियत दे दें कोई पासपोर्ट दे दें दे 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 जिससे आपके बाकी बच्चों के बेनिफिट्स मिल सके ये कैनेडा ऑस्ट्रेलिया यूके और यूरोप में ही है अच्छा ये जो हमारे ड्राइवर तबका है जो रेस्टोरेंट्स में जॉब करते हैं जो शेफ़ हजरात हैं कुक वग़ैरह जो कुकिंग का टैलेंट जानते हैं यहाँ गौतम वगैरह से सीखते हैं पढ़ते हैं उन लोगों को बहुत शौक़ होता है मिडल ईस्ट में जाके क्योंकि उनका करियर बन जाता है जॉब पक्की लग जाती है यहाँ उनका कोई ऐसे फ्यूचर भी नहीं होता अब ये बता दीजिए कि ये लोग अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी जो है ना वो इकट्ठी करते हैं इनके पूरे पेरेंट्स जो हैं अपनी लगा जी एक इनकम होती है जो जमा की हुई होती है वो सारी अपनी औलाद को आगे देते हैं बाहर भेजने के लिए इमिग्रेशन के लिए मिडल ईस्ट में काम के लिए अब वो जो सारा का सारा पैसा है वो जिस कंपनी को दे रहे हैं उस कंपनी के बारे में पता कैसे चले कि वो अथेंटिक है सब कुछ है उनकी देखें वेबसाइट्स भी होती हैं उनका सब कुछ होता है मगर एकदम से फ्रॉड हो जाता है अभी थोड़े दिन पहले की ये बात अभी बड़ी वायरल हुई थी एक एजेंसी जो है उसने काफ़ी लोगों से पैसे लिए जिसमें 80 लोगों ने अपनी रिपोर्ट दर्जा कराई थी कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया वो कंपनी ईद के बाद गए तो ताला लगा हुआ था बाहर पैसा खा के भाग गए सारे नंबर शंबर बंद हो गए तो अब इन लोगों को कैसे पता चलेगा देखने वाला जी मुझे आ, मेरे नॉलेज में है कराची की एक कंपनी थी जिस मैंने भी न्यूज़ में देखा था हुँ. अच्छा ये जो आपका क्वेश्चन है मैं पहले भी बेशुमार चैनल्स पर यह बात बता बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी के ऑफिस में जाएँ उसको देखें कि ये कहाँ से रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्रेशन से ज्यादा उस कंपनी की मार्केट रिप्यूट क्या है उसके इर्द गिर्द चेक कर लें कि ये लोग कब से बैठे हैं ये कब कितना अरसा हो गया इनको ये काम करते हुए ठीक है मजदूर मेरे ऐसे भाई, वही जो ड्राइवर तो उनके पास तो इतनी नॉलेज भी नहीं होती ना तालीम तो, होती है वो तो जाके बाहर नौकरी लगा के अपने घर को चलाना चाहते चला सऊदिया और दुबई आप देख लेना वहाँ पर ही जाते हैं ज्यादातर लोग नहीं तो उनको तो आसान तरीका क्या है ड्राइवर के लिए ने भी अपॉर्चुनिटी दी है नहीं मुझे आज अब सऊदिया और दुबई के बारे में सऊदिया और दुबई में उधर के ज्यादा फाइल हुए उसमें ये है की सऊदिया दुबई के लिए जब भी आप किसी ऑफिस में जाए उसका एक रिक्रूटमेंट लाइसेंस होता है ठीक है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इदारे हैं जो सऊदी या दुबई या जो भी मिडल ईस्ट के लिए लोग काम करते हैं उनका एक रिक्रूटमेंट लाइसेंस होता है वो बाकायदा उस कंट्री से उनको डिमांड आती है तो ये हम उनसे मांगे देखने के लिए जी बिल्कुल आप, आप लें और सेकेंडली वो ऐसे तो कहाँ से करेंगे इसको वो बाकायदा एड लगाते हैं अखबार में कि हमारे पास इतनी ये वेकेंसी आई हैं आप इतने ड्राइवर्स चाहिए इतने प्लंबर्स चाहिए इतने कारपेंटर्स चाहिए तो बाकायदा ये उस पर लिखा होगा कि इनके लाइसेंस के साथ ये चीज़ें राना साहब हम चेक कैसे करेंगे इसमें भी तो चेक गवर्नमेंट के इदारे से चेक करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन बेरो है जो ये वर्क परमिट इशू करवाता है वहाँ से इसको चेक करवाया जा सकता ये तो बड़ा जो वर्क परमिट का काम करते हैं वो तो बड़ा आसान है फिर हमारा प्रोटेक्ट ऑफिस है और कोई भी वर्क परमिट बगैर प्रोटेक्शन के जा ही नहीं सकता अच्छा और ये जो फ्रॉड होता है ये किस किस्म से होता है ये जो इस्पेशली मिडिल होता है फ्रॉड यही होता है कि देखें फ्रॉड हम अपने साथ खुद करवाते हैं लाइक आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं वो कहते हैं जी बस मेरे पास तो पैसे हैं ना मैं कोई टेस्ट पास कर सकता ना मेरे पास कोई तालीम है आप मुझे पैसे बता दें वो आपको गलत गाइड करेगा जी मुझे इतने पैसे दे दें आप मुझे आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए इस वाई पासपोर्ट के अच्छा सपोज़ मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से लेती हूँ कि सपोज मैं जाना चाहती हूँ सऊदी अरब ठीक है मैंने जॉब करनी है वहाँ पर और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और वहाँ पर भी जा मैंने मेकअप का काम करना है किसी सैलून में अब आप मुझे तरीका बताएं मैं क्या करूँगी मैं मेरे क्या क्राइटेरियाज होंगे मैं क्या पूछूंगी क्या करना चाहिए क्या चीज़ें आप लोग डिमांड करते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए और पैसे कब देने हैं एडवांस कब देना है किस तरीके से ये सारी डीलिंग होती है इस तरह समझा हैं सर फर्ज़ करें आप जाती हैं वो आपको कहता है जी बिल्कुल हमारे पास ये वैकेंसीज़ हैं मेकअप आर्टिस्ट की तो आप उससे पूछती हैं कि कहाँ पे है किस कंपनी में है किस कंट्री में है? आप उस कंपनी को डायरेक्ट भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू या ईमेल के थ्रू चेक कर सकती हैं गूगल मारे आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी ऑथेंटिक हाँ थे... कंपनी आ जाएगी ऑथेंटिक कंपनी काम कर रही है हाँ। कैसा है उनको कॉल कर लें उनको ईमेल कर लें कि देखें मैं पाकिस्तान में हूँ और मुझे ये कंपनी है ये फ्ला आपको रिप्रेजेंट कर रही है ये मेरे से इतनी डिमांड कर रहे हैं ठीक है